सीनियर जी ने, ओनर साहब ने हमें जो सारी चीज़ें सिखाई, जो टीम के साथ बॉन्डिंग करके हम लोग अच्छी तरह से दोबारा रिस्टार्ट करके बढ़िया तरीके से बिजनेस करेंगे, और जल्द से जल्द हम एम्बेसडर का प्लानिंग करने के लिए सारा प्लानिंग सीनियर ने दिया है। अच्छा, बढ़िया, थैंक यू। नेक्स्ट मार्कुस लक्ष्मण जी, ये काफ़ी टाइम से करीबन 4 बजे से मीटिंग स्टार्ट हुआ था, अभी तक काफ़ी डीप तरीके से हमारे जो मोहित जी है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बिजनेस रिगार्डिंग बताया कि एक लीडरशिप के बारे में और मार्केट का जिम्मे लड़ क्या होता है और एक संगठन की कितनी बड़ी ताकत होती है इस बिजनेस में, ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से बताई और काफ़ी अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। नेक्स्ट जी मार्केट कुछ नहीं, यहाँ पे जो मीटिंग हो गई मोहित सर ने बहुत अच्छे से गाइड किया, हमारे ओनर साहब ने बहुत अच्छे से गाइड किया। यहाँ पे हमको एक बॉन्डिंग, एक मार्केट लोगों के बीच में कैसे बॉन्डिंग रख के बिजनेस किया जा सकता है, कितने आगे तक जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें इस मीटिंग के अंदर अच्छी तरह से समझाई, अच्छी तरह से गाइड किया, और यही बस। थैंक यू सर। हमें तो अभी तक लग रहा था कि अभी पूरा ख़त्म हुआ है बिज़नेस, क्योंकि हम तो अंदर गए थे, अंदर जाने के बाद बाहर आए, बाहर आने के बाद अभी लग रहा था ऐसे कि अभी पूरा ख़त्म हो गया, लेकिन अभी मीटिंग होने के बाद ऐसा लग रहा है कि फिर से खड़ा कर सकते हैं और बन सकते हैं और बन के दिखा सकते हैं आने वाले कुछ ही टाइम में। आपकी बात है आदित्य कुमार को जी, आप मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत दिन से MD सर को मिलना चाहता था लेकिन आज मिल गया, उन्होंने टीम मुझे अच्छा प्लानिंग दिया है, जो हमारे कम्युनिटी के अंदर नए लोग आ रहे हैं उसका अच्छा सा ब्राइट फ्यूचर कैसा बनना चाहिए, हर लोगों को पैसा कैसा आना चाहिए ये सभी सीखा है, बहुत अच्छा लग रहा है, सभी लोगों का मैं अच्छा फ्यूचर बना सकता हूँ टीम के अंदर के लोगों का जी। नेक्स्ट आपकी जानी सुनी आगे, देखो बहुत सा मतलब 5 साल से कंपनी के अंदर काम कर रहा था बट कभी MD से नहीं मिला था मैं कंपनी के ओनर से, बट आज सर ने टाइम दिया और हम लोग मिल गए सारे, बट सर से एक 2-4 बातें सीखने को मिला, बिजनेसमैन ने क्या सोचना चाहिए, बिजनेसमैन होता क्या है और एक्चुअल में बिजनेसमैन का माइंड कैसे चलना है, और दूसरी बात ये बताया कि खुद भी एंटरप्रेन्योर कैसे बने और माइक्रो एंटरप्रेन्योर कैसे बनाएंगे, और खुद हम लोग जो काम कर रहे हैं ना उसका कन्वर्ट इन्फॉर्मेशन एंटरप्रेन्योर के अंदर कैसे हो जाएगा उसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स डीप के अंदर दिया, और इसी बिजनेस को इथिकली कैसे किया जाएगा जिससे लोगों का सोच है अभी थोड़ा थोड़ा गलत होता है ना उसके बारे में इथिकली बात किया, जो सबसे पहले पसंद आई मुझे। बेस्ट, थैंक यू, थैंक यू जी। नेक्स्ट हमारे मार्कुस राहुल जी, अभी तो MD सर के साथ बात हुई, सीनियर ने हमें टाइम दिया क्योंकि हमें पिछले जो रिवर्स आए थे कुछ प्रॉब्लम की रिगार्डिंग, बट बहुत सारी प्लानिंग सीनियर दिया कि क्योंकि सेंटर की रिगार्डिंग होगा चाहे कुछ गलत एजुकेशन कैसे मतलब हमें सुधारना है, जो भी हमें लीडर से जो गलतियाँ होती है वो भी अच्छे तरह से प्लानिंग दिया उन्होंने, दूसरी चीज़ की जो हमें जो चीज़ कम थी जैसे कि हमें 2017-18 में जो चीज़ों से बिजनेस चल रहा था डायरेक्शन उसके अंदर डे बाई डे कैसे चेंजेस करना है, मतलब डायरेक्शन में एजुकेशन आके कैसे और भी डेवलप करके जाना है, वो सब कुछ हमें इस मीटिंग के अंदर सीखने के लिए मिला। थैंक यू MD सर, क्योंकि उन्होंने सब कुछ चीज़ अच्छी तरह समझाया जी। थैंक यू जी। नेक्स्ट हमारे मार्कुस धनाजनर जी, अभी 2 घंटा मीटिंग हुआ, 2 घंटा मीटिंग के अंदर आपने क्या क्या बिजनेस के अंदर? अभी 2 घंटे की मीटिंग हुई, उसमें पहले तो मैं आया था तो मेरे को डर लग रहा था MD सर से कि पहले मीटिंग हुई थी तब मैंने कुछ भी बातें की नहीं की थी उनके साथ, लेकिन अभी जब बातें करने के बाद पता चला कि एक MD सर मोहित सर भी एक फ्रेंडली इंसान है और उन्होंने ये जो भी हमें गाइड किया आज के टाइम में कि 2 घंटे के अंदर बताया कि यार एक लीगल बिजनेस कैसे होता है और लीगल बिजनेस करने के बाद हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं डीप में, वो सब कुछ चीज़ें बताई जहाँ पर गलतियाँ होती है उस चीज़ को सुधारने के बाद वहाँ पे कहाँ पे कैसे सक्सेस मिल सकता है, दूसरी चीज़ की बॉन्डिंग, जो लीडर का बॉन्डिंग होता है वो लीडर का बॉन्डिंग बनने के बाद लोग सक्सेस कैसे होते हैं और कैसे बनना चाहिए, और आगे वाली 1 मंथ की प्लानिंग दी है, उस 1 मंथ के अंदर जी जान लगा के मेहनत करके हम एक अच्छा सा अचीवमेंट पाने की कोशिश करेंगे, और थैंक यू सो मच MD सर के लिए कि उन्होंने इतना कीमती समय हमें दिया। ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद जी। नेक्स्ट हमारे मार्कुस जी,
आप बताइए। देखो हम लोगों ने आज तक जो भी सोचा नहीं था कि देखो एक कंपनी के ओनर के साथ हम ऐसे बैठ के एकदम फ्रीली बातें करेंगे, जो भी हमें दिक्कत है उसका सोल्यूशन हमें मिलेगा। और इस मीटिंग के अंदर ये सीखने को मिला सबसे इम्पोर्टेंट कि हम लोगों ने गलती कहाँ पे की है, इसकी वजह से हम आगे नहीं जा रहे। ये चीज़ें सब जो भी है सीखने को मिली, बहुत अच्छा लगा। अभी जो हमारे सबके ऊपर है प्री एम्बेसडर केला जी, बोल दीजिए। गुड बिजनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि आज 3/6/2022 के अंदर हमारे मोहित जी पुणे सिटी के अंदर आके हमें बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या हमें सिखाया। सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि 11 मार्च उसके बाद मीटिंग हो गई, उनका सपोर्ट और एमडी सीनियर का हेल्प, सही कंपनी मिल गई, सही जगह मिल गई और सभी मार्कूस का हमारा करियर बनाने के लिए सही प्लेटफॉर्म मिला है। बस ऐसे ही मंथली हमारे एमडी सर सीनियर के साथ मीटिंग होनी चाहिए। मुझे बहुत मज़ा आया आज की मीटिंग के अंदर, और मीटिंग के अंदर हमने ये सीखा कि बॉन्डिंग क्या होती है, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है और बिजनेस को ग्रोथ कैसे करना है। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच जी। हमारे डायमंड सपोर्ट पार्टनर मार्कू सचिन जी, आप बताइए। मैं सबसे पहले थैंक्स कहना चाहता हूँ एमडी जी को, जी उन्होंने इतनी दूर से हमारे लिए टाइम निकाला। आज जो भी चीज़ें हुई इस मीटिंग के अंदर बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, जैसे कि बहुत चीज़ें ऐसी हो रही थी जहाँ हमसे मिस्टेक हो रही थी बिजनेस के अंदर, कुछ बहुत गलतियाँ हो रही थी जिसको सुधारने की ज़रूरत थी, लेकिन उसको किस तरह से सुधारे, उसको किस तरह से सुधारे और उसके सुधारने के बाद किस तरह से बिजनेस को डेवलप कर सकते और वो बढ़ावा दे सकते, वो आज हमारे जो मोहित सर है एमडी जी है उन्होंने क्लियरली बता दिया कि अगर आप इस तरह से प्लानिंग करोगे बिजनेस के अंदर तो आपका बिजनेस बहुत आगे तरक्की कर लेगा। आज हमारे मार्केट्स के अंदर जो भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी या कुछ गलत चीज़ें हो रही थी, आज उसको सुधारने का मौका उन्होंने दिया है, क्योंकि गलतियाँ तो है, क्योंकि गलती तो मार्केट से हुई थी, लेकिन आज हमारे एमडी जी ने उस चीज़ को माफ़ी दे के एक नए से शुरुआत करने का मौका हमें दे दिया, इसलिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। क्योंकि आज हमें एक ऐसा लग रहा है कि आज एक नई ज़िंदगी मिल रही है और आज से एक नया हाइपरनेस और जोश, नेवर गिव क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, बिजनेस प्लानिंग क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एक मार्केट्स क्या होता है, ये हर एक चीज़ आज बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई। और आज से मैं और मेरी पूरी टीम हो, मैं आज दावा करता हूँ या मुझे ऐसा लग रहा है कि यार आगे इस मंथ की प्लानिंग जो है हम बहुत तगड़ी करेंगे और बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ भी कर देंगे। ये हमारे कंपनी के एमडी मोहित सर कुछ बताएंगे। हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। और अभी हम हैं ना पुणे होटल में और आज हमारे पास जो मार्क्यूज़ हैं वो हैं मार्क्यूज़ पुणे के और मार्क्यूज़ लातूर और मार्क्यूज़ कर्नाटका से, और ये हमारी टीम है। मैं आज पहली बार जो है पुणे में आया हूँ मार्क्यूज़ के साथ मीटिंग करने के लिए और इनसे मिलना चाह रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम इनके एक साल के बाद हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, एक साल के बाद मैं इनसे मिला और काफ़ी चीज़ें जो थी डिस्कस नहीं हो पाया था पहले और गाइडेंस नहीं दे पाया था। एक बार फर्स्ट टाइम पे मिला था जब मैंने इनको बताया था कि कैसे जो है मैं मार्क्यूज़ बनना है, कैसे बिजनेस को संभालना है, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं इन लोगों से मिल नहीं पाया और जिसके कारण जो है कुछ इश्यूज़ इनको फेस करने पड़े। और बिजनेस में मतलब मैं बोल सकता कि जब एक ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ ड्राइवर ऐसे होते हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं होता है, लेकिन वो थोड़ा सा हाईवे पे तो स्पीड पकड़ लेते हैं लेकिन कभी ब्रेक नहीं मार पाते हैं, कभी स्पीड को नहीं सही से मैनेज कर पाते, कुछ ऐसा ही इशू मेरे को देखने को लगा। लेकिन अभी जो आज हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें डीपली यानी कि बिजनेस को किस तरीके से हमने अपग्रेड करना है, अपने जो टीम मेम्बर्स हैं उनको कैसे हमने आगे तक पहुँचाना है, हर एक इंसान जो गाँव से आता है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, एक नए कस्टमर की क्या इम्पोर्टेंस है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एक लीडर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमारे जो अपर अपलाइंस यानी कि जो हायर रैंक पे हैं, एम्बेसडर्स हैं, प्री एम्बेसडर हैं, मार्क्यूज़ हैं, उनको क्या क्या जिम्मेदारी देनी है और क्या क्या काम उनके बनते हैं वो बता दिया गया है। जो हमारे साथ स्टार्टअप करने वाले लोग हैं उनको कैसे हमने आगे एक सफल एंटरप्रेन्योर बनाना है उसके बारे में भी काफ़ी चीज़ें बहुत देर यानी कि 5 आवर तक हमने बातें करी हैं, जिससे कि मुझे लगता है कि अब अगले 31 जुलाई तक मुझे लगता है कि इसका जो रिज़ल्ट है बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलेगा। और मेरा कमिटमेंट ये रहेगा कि अगर जिस तरीके से हमने प्लानिंग करी उस पर जो
इसको फुलफिल करते हैं तो हम बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम जो है पुणे में करने जा रहे हैं। इनके हर ब्रांच ऑफिस में मैं विजिट करूँगा और जो भी इश्यूज आए हैं उन इश्यूज को और से भी ज़्यादा जो है उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। और बाकी जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोग किसी भी कारणवश बिजनेस से दूर चले गए हैं, किसी पर्सनल इश्यूज के कारण, किसी भी आपस में बॉन्डिंग ना होने के कारण, तो आप दोबारा से कम बैक करें। अब इनकी जिम्मेदारी को मैं ले रहा हूँ और आपका हर एक चीज़ ट्रांसपेरेंसी से आपके साथ बिजनेस किया जाएगा, जो भी इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व किया जाएगा और मिलकर आगे बढ़ेंगे और सबको आगे बढ़ाएंगे। यानी कि भारत सरकार का जो रूल है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो इसी फॉर्मूले पे हम लोग भी काम करेंगे और सभी को आगे बढ़ाएंगे। और अगले यानी कि जो आने वाले दिन हैं उन सभी गुड लक एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि डेफिनेटली उन चीज़ों को हम करेंगे और मैं भी खुद इस चीज़ को मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। अभी मैं भी जो है पुणे की टीम को डायरेक्टली मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।